Welcome friends, welcome to GK Pandit Ji. My name is Karthik Datta. I'm from West Bengal. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज कुछ मैथमेटिक्स सीखते हैं और वो भी इन क्विकर मेथड. सॉल्व द परसेंटेज प्रॉब्लम इन क्विकर मेथड. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करेंगे वो रूल वाइज इसको सीखेंगे. तो रूल नंबर वन, जो बेसिक सा बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम रूल है, तो रूल नंबर वन में बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिएगा. टू एक्सप्रेस एनी फ्रैक्शन एक्स बाय वाई इन रेट परसेंट वी मल्टीप्लाई, जस्ट इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई एक्स बाय वाई बाय 100, दैट इज एक्स बाय वाई इंटू 100. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास क्लियर हो जाएगा. बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, काफ़ी लोग इसे यूज़ भी करते हैं. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, एग्जांपल क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं. बट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/8. कुछ भी नहीं, मैंने बोला कि इसको अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, देने से इसको 75/2 आता है. तो इसको अगर डिवाइड किया जाए 75/2, तो 3/6 और यहाँ पर ओके 17 होल एंड हाफ, यही होगा इसका आंसर. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी, कोई भी फ्रैक्शन को अगर आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर देना. चलिए रूल नंबर टू देखते हैं. रूल नंबर टू, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर टू को देखते हैं. टू एक्सप्रेस रेट परसेंट एक्स एज ए फ्रैक्शन वी डिवाइड एक्स बाय 100. बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिएगा मेरे साथ. एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, अलग सा कलर ले लेते हैं तो समझने में आसानी होगा. सॉरी, एग्जाम्पल क्या है, चलिए फर्स्ट फ्रैक्शन इज 12.5%. ओके, चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं. क्या करना है, टू एक्सप्रेस रेट परसेंट एक्स एज ए फ्रैक्शंस वी डिवाइड एक्स बाय 100, दैट इज एक्स बाय 100 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस. ओके, तो चलिए कुछ नहीं, इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है.
12 half and divided by 100. ओके तो ये क्या होता है 25, ये होता है 200, देयर आफ्टर ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो बिल्कुल इस रूल को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा. ये है रूल नंबर 2. देयर आफ्टर चलिए हम रूल नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं. रूल नंबर 3 तो ये भी आसान सा एक रूल है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले बोल देते हैं इसके बारे में. तो कुछ नहीं, रूल को राइट डाउन कर लीजिएगा. टू फाइंड आउट एक्स परसेंट ऑफ एन आइटम, ठीक है, वी डिवाइड, वी हैव द फॉलोइंग फॉर्मूला. क्या है फॉर्मूला? एक्स बाय 100 इंटू वैल्यू ऑफ द आइटम. बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बोलता हूं. टू फाइंड एक्स परसेंट ऑफ एन आइटम वी हैव द फॉलोइंग फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला क्या है? एक्स बाई 100 इंटू द वैल्यू ऑफ द आइटम. चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, अलग सा कलर यूज करते हैं. एक एग्जाम्पल से आपका जो है ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. टू फाइंड 8% ऑफ रुपीस 625. तो देखिए यहाँ पर जो ऑफ है, ऑफ मीन्स इनटू, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. ओके, तो कुछ भी नहीं, 8% ऑफ रुपीस 625, दैट इज 100 बिठा दो, परसेंटेज के नीचे यहाँ पर 100 बिठा दो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो. ऑफ का मीनिंग तो मैंने बोला आपको, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व. तो फिर कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कीजिए और देखिए 25 और ये हो गया आपका 625 रुपीस 50. तो ये आ गया आपका आंसर. तो चलिए एक जो है आप खुद ब खुद एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर. तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ अभी के अभी, सॉल्व कीजिए. कुछ नहीं, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और भी कुछ नहीं. चलिए एक एक देते हैं, थोड़ा सा यूज़ करने दीजिए. तो चलिए एक क्वेश्चन है, चलिए ये खुद आप सॉल्व कीजिएगा. फाइंड 4% ऑफ रुपीस 3125. कुछ नहीं, इसको ऐसे करना है और इसका मतलब तो मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया, तो फिर हो गया. ये देखिए आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, आप कर सकते हैं इसको. तो फिर चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं और इस रूल नंबर 4 को जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लिसन टू मी. चलिए ये अलग कलर ले लेते हैं, रूल नंबर 4, और राइट डाउन कीजिएगा. इफ एक्स परसेंट, एक्स यानी कि कोई भी परसेंटेज आपको दे दी जाएगा, एक्स परसेंट नंबर एन, ओके, इज वाई, देन द
number n, that is y divided by x into 100. Okay, now means एक नोट कर लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या है, means x percent means x divided by 100. और एक नोट कीजिएगा, the number whose percentage is to be found is called the original number. इस पे गौर फरमाइएगा, original number n. यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, and the number obtained after finding the percentage. Okay, it's called the result. Okay. ओके तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं. ये थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के बाद आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर. चलिए एक प्रॉब्लम है कि एग्जांपल से क्लियर आउट हो जाएगा. 25% ऑफ व्हाट नंबर, ये काफ़ी बार आ चुका है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या छोटे एग्जामिनेशन में आते हैं. तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं. कुछ नहीं, यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपको निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर. तो क्या करना है, 36 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100. तो ए हो गया आपका जो मैंने बोला. किसी भी, मैंने फर्स्ट बोला कि इसका मीनिंग्स क्या है, एक्स परसेंट मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग है एक्स डिवाइडेड बाय 100. तो वही मैंने यहाँ पर बोला, बिल्कुल यहाँ पर से इसको क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा जो यहाँ पर दिया जाएगा. हाँ, यहाँ पर बोला गया कि 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36. ओके, कुछ नहीं, इस 36 को ऊपर डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 कर दीजिए. बस इससे हो जाएगा आपका, ए हुआ रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. तो बिल्कुल समझ गए होंगे. तो चलिए नेक्स्ट और एक फॉर्मूला देखते हैं. काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है और याद भी रखना है आपको. फॉर्मूला नंबर या रूल नंबर आप कुछ भी कह सकते हैं, रूल नंबर 5. तो रूल नंबर 5 में क्या है, इफ़ द एक्स परसेंट ऑफ नंबर that is n is x percent of a number, that is n is the result r. okay, then the value of percentage value of percentage x is equal to a rule, याद रखिएगा, result r original number, that is n into 100.
अच्छा यहाँ पर कुछ नोट है, उस नोट को थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा. हेयर प्लीज राइट डाउन दिस नोट नंबर हुज परसेंटेज इज टू बी फाउंड is called original number. बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बोल दूंगा क्या बताया जा रहा है यहाँ पर. द नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूला को, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा. ठीक, तो अभी क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा. ऑब्टेंड आफ्टर फाइंडिंग द परसेंटेज इज कॉल्ड द रिजल्ट. क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं. अब थोड़ा सा यहाँ पर राइट डाउन कर लिया होगा आपने, तो चलिए इसको इरेज करते हैं. शायद इरेज होगा ऐसे. अच्छा चलिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा. चलिए अच्छा यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, कुछ नहीं. देखिए आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है 0.625, ओके, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ वन होल, सॉरी स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं फिर से. समा पार्थी हूँ तो 0.625 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ वन होल 7/26, 28, ओके, नो प्रॉब्लम. तो इसको सॉल्व करना है आपको, कुछ नहीं. ये जो है वन होल 7/28 इस ओरिजिनल जो है ये नंबर है. Okay, and 0.625 is equal to result. Results को R से denote करते हैं, इसको N से denote करते हैं, तो आसानी होगा. तो using the above formula, जो formula हमने अभी दिखाया, कुछ नहीं, the value of percent, value of percentage is equal to 0.625 divided by 1 whole 7/28 is equal to into multiply 100 कर दीजिए is equal to 50%. ओके, ये हो गया आपका जो है रूल नंबर 5. अभी रूल नंबर 6 में आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा. तो रूल नंबर 5 को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ कि लिखाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में
कि कम से कम लिखा जाए, ठीक है। तो ए आ गया हमारा रूल नंबर 6। तो चलिए इसको एनालिसिस करते हैं, रूल नंबर 6 को जो है। मेरे सामने एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को बोलते हैं कि अगर इफ एक्स एंड वाई परसेंट ऑफ ए नंबर, ठीक है, एन आर एक्स वन एंड वाई वन रेस्पेक्टिवली, ओके, देन क्या करना होगा, देन फॉलोइंग फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, फॉलोइंग रिलेशनशिप जो है वो आएगा। आप अगर फॉर्मूला कहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। रिलेशनशिप एग्जिस्ट, क्या फॉर्मूला है, एक्स वन बाय एक्स, बिल्कुल राइट डाउन कीजिएगा, एक्स वन बाय एक्स वाई वन बाय वाई इज इक्वल टू एन बाय 100। ये जो है ये फॉर्मूला है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सभी ने लिख लिया होगा इसको। अच्छा चलिए इसको इरेज करते हैं, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये वाला प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए एक जो है एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 25% ऑफ अ नंबर, और फॉर्मूला यूज़ करने से क्या होता है, जल्दी जल्दी जो है वो हो जाता है, हमारा मैथमेटिक्स सॉल्यूशन जल्दी जल्दी हो जाता है। तो 25% ऑफ ए नंबर इज 20। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। और एक क्वेश्चन और किया जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर, उस नंबर को भी बोलना है। तो चलिए इसको रिलेशनशिप में देखते हैं, उस जो रिलेशनशिप हमें दिया गया था रिलेशनशिप में फेंक के देखते हैं कि हेंस यहाँ पर लेट, यहाँ पर हम अगर पकड़ लें कि एक्स वन जो है 20 है और एक्स जो है 25 है, तो वाई इज इक्वल टू 40, देन वाई वन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप आएगा तो क्या आएगा, एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वाई वन डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 20, 25, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स वन कितना है, 20 है, 20 और 25 एक्स, ठीक है, बस रिलेशनशिप में आ गया। तो फिर वाई वन क्या होगा, वाई वन होगा 32 एंड नंबर क्या होगा, जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, नंबर होगा एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, जो फार्मूला आपको दिया गया था। बिल्कुल फार्मूला को नज़दीक रखिए तो आपका जो प्रॉब्लम, जो ये सॉल्यूशन किया जा रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 80 आ गया। तो 6 जो है फार्मूला रूल्स आज मैंने आपको बताया। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी रूल्स और भी फार्मूला को डिस्कवर करेंगे। टिल देन
Stay tuned. Bye-bye.